हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी ग्लैम विद निशा। मैं हूँ निशा और आज मेरे साथ इस ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए आया है इवू। और इवू भी आप सबको हाय कर रहा है। इवू से हाय टू ऑल, से हाय टू ऑल। तो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ संडे इवनिंग से। सुबह से ब्लॉग करने का प्लान था लेकिन थोड़ा काम था तो नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा इवनिंग से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए तो बस नहाई दिया शाम को, तो सुबह से थोड़ा काम था तो नहीं हो पाया था। हाँ, ये कुछ कह रहा है अपनी लैंग्वेज में, आप लोग समझ लीजिएगा क्या बोल रहा है ये। हाँ, पर हाय। तो इवू शर्मा गया है। तो बस अभी वैसे 6 बज रहे हैं, मेरा प्लान था कि व्लॉग मैं एटलीस्ट 4 बजे से स्टार्ट करती लेकिन बस नहीं हो पाया। तो अभी 6 बजने वाले हैं तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। क्या कर रहा है इवू ये? इवू इज डूइंग लाइक दिस। ओके, तो 6 बज रहे हैं तो अभी बस मैंने सोचा फिर कोई नहीं, संडे का इवनिंग रूटीन मैं शूट कर लेती हूँ। रूटीन नहीं है, डेली तो रूटीन ऐसा नहीं होता है, तो बस आज का मैं फिर रूटीन शूट कर रही हूँ। तो बस अभी चाय बनाने जा रही थी, चाय बनाने से पहले तो आज शाम को मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मदी पेड़ दो, एक मिनट मैं इसको इसके पापा को हो दे देती हूँ, नहीं तो चिल्लाएगा। हाँ, तो मैं शाम से ही व्लॉग स्टार्ट करने की सोच रही थी और मौसम बहुत अच्छा हो गया था, हमें लगा कि जैसे बारिश आएगी लेकिन बारिश हुई नहीं और मतलब ह्यूमिड ज्यादा हो गया है। तो बस चाय बनाने जा रही थी चाय के साथ, उससे पहले चाय बनाने से पहले सोचा कि कुछ स्नैक्स बना लेते हैं। तो आज बनाने जा रही हूँ केरला का दाल वड़ा, यहाँ पे दाल वड़ा बोलते हैं, केरला में इसको पल्प वड़ा बोलते हैं, पल्प यानी कि दाल वड़ा। ओके गाइस, तो दाल वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये चने की दाल ली है, इसको 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगो के अब इसको हम ग्राइंड करेंगे, आपको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, कोर्सली ग्राइंड करना है। और यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया हुआ है, 2 हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ा एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा और ये कुछ करी लीव्स लिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले इसको मैं ग्राइंड करूंगी जार में डाल के। ये छोटा चम्मच ये नमक, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा सौंफ बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है जस्ट टेस्ट के लिए। थोड़ा सा इसमें मैं सौंफ ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको कोर्सली ग्राइंड करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको ग्राइंड करना है, कोर्सली ग्राइंड करना है, थोड़ा दरदरा रहना चाहिए तभी अच्छा लगता है, थोड़ा दाल के दाने दाने भी ऐसे रहने चाहिए तो टेस्टी लगता है। तो बस ओके, तो ये मैंने दाल इसमें ट्रांसफर कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, सब कुछ मिक्स करेंगे और ये हरी मिर्चें ये भी डाल दूंगी, ये थोड़ा सा अदरक है ये भी छोटा छोटा काटा है, आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं, और ये थोड़े से करी लीव्स। नमक आप चेक कर लीजिएगा अपने स्वाद के अनुसार। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ओके, दाल बड़े के अब मिक्स मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है। अब हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं ताकि जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो जाए, इतने हम वड़ा को शेप देना शुरू कर देंगे। तो मैं यहाँ पे तेल गर्म कर देती हूँ पहले। ओके गाइज, तो वड़े के लिए आपको इस तरीके से शेप बनानी है, आप देख सकते हैं ये बना रहे हैं। तो ये हाथ में लेके आपको हल्का सा प्रेस करना है। इवो डोंट डू बेटा, इस तरीके से। तो इसको आप ऐसे शेप बना के जितने ऑयल हमारा हीट हो रहा है एक प्लेट में हम रख देंगे।
ओके, ऑयल हमारा गरम हो गया है तो अब हम इसको मीडियम पे करेंगे, मीडियम या लो पे आपको रखना है। और आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप जो दाल वड़ा है वो जल्दी जल्दी ऑयल चढ़ाने के बाद ही उसको बनाना शुरू करना, क्योंकि प्याज जो है पानी छोड़ता है तो फिर जो शेप है वो बनने में दिक्कत आती है, वो चिपकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बाकी ये आप देख सकते हैं इस शेप में आपको बनाना है जो दाल वड़े का शेप होता है, बाकी आपके ऊपर, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। ओके, जैसे एक साइड हो जाएगा हम इसको टर्न करके दूसरे साइड को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ओके, 2 मिनट बाद आपको इसको फिर से टर्न करके एक बार और दूसरी साइड को फिर से फ्राई करना है ताकि थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे, टिश्यू पेपर पे। देख सकते हैं आप। ओके, तो अब ये सेकंड ट्रिप हमने इसमें डाल दिया है। हाँ, तो जो एक बाउल दाल लिया था उससे आई थिंक सो 7-8 वड़ा बन गए, 2 ट्रिप वड़ा बन गया है, तो इसको भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। गाइज, तो इबू को ये अभी दूध दे रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, और मैंने चाय के लिए रख दिया है, और ये जो क्वांटिटी ली थी उससे इतने बड़े बन गए हैं। एक छोटा सा बना है, छोटू सा इबू के लिए, तो इतना सा बड़ा, ये इतने सारे बड़े बन रहे हैं, बहुत इवनिंग स्नैक्स के लिए हो जाएगा। और हाँ, मोटर चला दूँ, मैं मोटर चलाना भूल गई थी। एक्चुअली हमारा जो मोटर का जो अलार्म होता है, जो बोलता है ना पानी की टंकी भर गई है, वो वाला खराब हो गया था, तो एक हफ्ते से मैं वो रिंगटोन सी सुन नहीं रही थी, तो मैं 5-10 मिनट ही मोटर चला रही थी, तो वो भर जाता है टैंक जल्दी, तो फिर ओवरफ्लो ना हो जाए इसलिए 5-10 मिनट्स ही मैं चला रही थी। तो अभी कल ये लेकर आ गए थे तो लगा दिया है। ओके, तो क्या बना रहे आप? ये ना आज कुछ डिनर के लिए स्पेशल प्लान कर रहे हैं, स्पेशल इन द सेंस एक्चुअली चिकन ना एक तरीके से खा के बोर हो गए हैं। एक बार पहले इन्होंने अभी लास्ट टू लास्ट सैटरडे को था, संडे को था, हाँ लास्ट टू लास्ट संडे चिकन लेकर आए थे, तो इन्होंने बटर चिकन ट्राई किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बट बहुत ही बहुत बहुत यम बना था, बहुत ही टेस्टी बना था, क्योंकि वो ये सेम तरीके से खा के ना थोड़ा सोचा कि थोड़ा टेस्ट चेंज जाता है इसीलिए। तो आज ये ट्राई करने जा रहे हैं काली मिर्च चिकन, पेपर चिकन, और ये इन्होंने आई थिंक एक बार पहले बनाया हुआ है, शादी के बाद ही वही स्टार्टिंग के टाइम पे एक बार इन्होंने ट्राई किया था, तो तब भी बहुत अच्छा बना था एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट, और आज ये फिर बना रहे हैं, तो मैं रेसिपी जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिर मैंने इसी, ये भी एक रीजन था ब्लॉग आज स्टार्ट करने का, अदरवाइज मैंने सोचा था कि अब मैं फिर स्टार्ट करके क्या फायदा, तो फिर मैंने सोचा चलो स्नैक्स बना ही ली हूँ तो मैं शूट कर लेती हूँ और फिर आपको रेसिपी भी दिखाती हूँ, अभी मुझे आटा भी गूंदना है। तो गाइज, एक और चीज, हाँ मैंने अपने चैनल पे आज ही अपलोड किया है रोटी मेकिंग चैलेंज, तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जरूर जाके देखिएगा, मैंने इनको रोटी चैलेंज दिया था, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको वो वीडियो कैसा लगा, चैलेंज काइंड ऑफ वीडियो, तो और बताइएगा कि आगे कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस करें, थोड़ा आप आइडिया भी दीजिएगा। कुकिंग चैलेंज मत बोलना, क्योंकि वो कुकिंग चैलेंज इनके लिए तो नया नहीं है, इनके लिए तो छुट्टी का काम है, रोटी इनके लिए बहुत बड़ी बात थी, तो मैंने इसलिए इनसे रोटी ही बनवाई, तो बाकी तो ये इजिली बना लेंगे, इजिली हो जाएगा। इवो, सो इवो इंजॉय कर रहा है अपने पापा के सर पे चढ़ के, है ना, है ना? Oh!
पापा अभी हम जो जला के ऊपर चले गए हैं थोड़ी देर उसको ऊपर घुमाने, अदरवाइज वो फिर परेशान हो गया अंदर रह के, तो उसको थोड़ी देर के लिए ऊपर लेके गए हैं। और जितने हम ऊपर गए हैं मैं इतने आटा गूंथ देती हूँ, आटा गूंथ के फिर चिकन का स्टार्ट कर देंगे। तो काली मिर्च चिकन बनाने के लिए यहाँ पे हमने चिकन लिया है। चिकन को सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। ये हाफ के जी चिकन है और इसको मैरिनेट करके हम आधे से एक घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो मैरिनेशन के लिए आधा किलो चिकन लिया है और जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, काली मिर्च लिया है थोड़ा सा, बेसिक हमारे मसाले हैं जैसे कि लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, नमक, और एक हमने नींबू का रस लिया है पूरे नींबू का, और थोड़ा सा हमने ऑलिव ऑयल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम इसको आधे घंटे के लिए, आधे से एक घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। ओके, इफ वी आर एडिंग द ऑयल फर्स्ट to make the onion paste, onion cashew nut paste first. For here I have already taken here two onions chopped and two green chilies I'm adding into it, and we will add the cashew also. I have taken around 50 grams of cashew for half kilo chicken. I have added the cashew also. Now we will sort it for 10 minutes. Okay, I'm keeping in medium flame and sorting it for 10 minutes. Okay, now it's almost 10 minutes. I'm turning off the flame now and we'll keep it for 5 minutes to become okay. Okay, after that we will grind it in the mixy jar. Okay, now I'm taking it to the jar, into this jar, to make the onion and cashew paste. Okay, now I'm going to make the paste. Okay, now you can see here the paste is ready. And I have added little bit of hot water to get the correct paste. Now I am going to make the gravy and the curry now. Okay. Now I am again adding the oil, little bit of oil, 2-3 spoon. Now we will add some whole masalas. I am adding 2 bay leaves and you can see green cardamom. And dalchini and 2-3 cloves here and kali mirch, the whole kali mirch here. Okay, now I'm sorting it for a minute, and now we will add the paste which we have prepared to this. You can take a little bit of hot water and now I will sort it for at least 5 to 10 minutes to get this cooked well, okay, and in medium flame. Now again I'm adding, it's almost 10 minutes now. I'm adding 1 spoon of ginger garlic paste into it, and again I'm going to mix it well for a minute or two. Okay, after 2 minutes I am going to add this chicken which we have already marinated and kept.
And along with this, one small scoop of salt into it. One small scoop of salt also I'm adding. And I'm going to make it mix, and I'll keep it in the tawa. And it will be kept it at least for 10 minutes so that it will be get cooked well. Five minutes. I'm going to add one cup of water into it, almost 250 ml, so that the chicken will get cooked well. I'm adding one cup of water. Let it cook for next 5 minutes more. Okay, now I'm going to add a little bit of masalas into this. I'm adding half spoon of garam masala here, and almost half spoon of chili powder, and here I'm adding 2 spoon of dhania masala, dhania powder. And here we will add the black pepper powder of teaspoon, 2 spoon. That will give the taste to it. I am again mixing it. You can see that almost the color got changed after adding the masalas. And now we will add the curd. 1 cup of curd I have taken here, and that I will add here. Curd, I added after mixing it well, and will again keep it on cooking for, let me mix it well. Okay, on medium flame, we will cook it again for 3-4 minutes. It has cooked almost for 4 minutes now. You can see the consistency. Now, I am going to add cream. I have taken malai here, and it's almost 3-4 spoons. I am mixing it in it. And again, we will cook it at least for 3-4 minutes more. Okay. It's almost cooked, all the things are added correctly. Now I am adding little bit of kasuri methi on top of it, just to get the proper taste, and I will mix it together so that that will be a different taste which you will get. Now I am turning off the flame. Curry is ready now. It's good for eating. Thank you. अभी मैंने यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह धो के मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया है, और इतनी इबू को उसके पापा ने सुला दिया है, तो इबू तो सो चुका है अभी। बस मुझे भी थोड़ा सा टॉपिक देखना है कल के लिए, वीडियो के लिए, तो बस थोड़ा सा होकर के उसके बाद मैं भी बात लेके सो जाऊंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो मैंने सारा क्लीन कर दिया, सारा क्लीन हो चुका है, सब कुछ क्लीन हो गया है। मैंने फ्लोर भी क्लीन कर दिया, क्योंकि ताकि मुझे सुबह सुबह उठ के आऊँ तो मुझे सब कुछ क्लीन क्लीन मिले, ऐसे लिए। और इबू भी सो चुका है, मैं इबू को भी दिखा देती हूँ।
कि वो भी सो चुका है और उसके पापा भी अभी बस उनको भी नींद आ रही है। तो गाइस बस सारा काम हो चुका है। अगर आपको ये आज का हमारा इवनिंग रूटीन अच्छा लगा हो, और हाँ बहुत टेस्टी बनी थी, मैं फिर से कहूँगी बहुत यम्मी बनी थी, चिकन जो पेपर चिकन था बहुत टेस्टी था, तो आप लोग ज़रूर एक बार घर पे ट्राई करके देखिएगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार बना के देखिएगा, जो भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा, और ज़रूर अपनी बना के अपना जो भी एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बस थोड़ा सा बस टॉपिक्स देखने हैं मुझे, वो हम दोनों मिलके देख के, और क्योंकि वो सो चुका है तो जल्दी से देख के 10:30 तक जल्दी से सो जाएंगे, नहा के बस सो जाएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये इवनिंग रूटीन कैसा लगा हमारा, ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया, बस जो भी है आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको। तो अगर आप ऐसे ही ब्लॉग्स वगैरह देखना चाहते हैं, और फन चैलेंज वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है आज, तो उसको भी जाके देखिएगा। अगर ऐसे ही फन चैलेंज वीडियोस और DIYs ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।